सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज की जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैं बना रहा हूँ अपनी कार की सर्विस से रिलेटेड। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की सर्विस कराने के लिए। मुझे जाना है यहाँ से नारायणगढ़, एक जगह पड़ती है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर के आसपास है। वहाँ पे लोकल काफ़ी मैकेनिक्स हैं जो क्या सर्विसिंग वगैरह करते हैं गाड़ी की। इस बार मैं शोरूम पे नहीं करा रहा हूँ, और ये करीब काफ़ी टाइम हो चुका है मेरी गाड़ी की सर्विस हुए हुए भी, 1.5 साल के आसपास हो गया है। 1.5 साल से मैं सर्विस नहीं कराई है सॉरी इसके लिए, और कार को भी मैं अपनी सॉरी बोलूँगा क्योंकि 1.5 साल से चल रही है। लेकिन हाँ, किलोमीटर ज़्यादा नहीं चली थी इसलिए मैं पेंडिंग करते जा रहा था, लेकिन अभी मुझे करानी पड़ रही है। और देखते हैं लोकल में कितना खर्चा आता है। इस वीडियो के एंड में मैं सारा बताऊंगा आपको कि कितना खर्चा आया, क्या क्या मैंने उसमें डलवाया है, तो टोटल कितनी कॉस्ट पड़ी सारी कुछ बताऊंगा। तो लोकल में कितना पड़ता है, और शोरूम का मुझे पता है क्योंकि वहाँ का लगभग 2500 के आसपास खर्चा आ जाता है, 2500 से 3000 के आसपास। तो अभी मैं आपको लोकल में भी बताता हूँ कितना खर्चा आता है गाड़ी का एक्चुअल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और मिलते हैं सीधे वीडियो में। तो ये अभी अंदर से खोल रहे हैं गाड़ी को, लाइट जल रही है इसकी, ठीक है। बस जितना भी इंजन का काम है वो बुरी कंडीशन हो रखी है तेल की। तो है ब्रेक शू तो अभी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये अभी पीछे ही डलवाए थे। और अंदर से कूलेंट कम है इसके अंदर क्योंकि मैंने भी बीच में खोल के ही देखी काफ़ी टाइम से, और वो ऐसे ही चल रहा है। बाकी फ़िल्टर्स वगैरह चेक करने हैं फ़िल्टर, क्योंकि हो सकता है गंदे हो गए हों, काफ़ी ख़राब हो चुके होंगे। तो ये फ़िल्टर की हालत हो गई है, पूरा गंदा हो चुका है, और क्योंकि काफ़ी टाइम से सर्विस हो रही है, ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है। तो फ़िल्टर और ऑयल में डलवा रहा हूँ, जो मुझे सजेस्ट किया है वो कैस्ट्रोल का। बाकी देखता हूँ कैस्ट्रोल बेटर रहेगा या कौन सा। और ये जगह है जहाँ पे मैं सर्विस कराने आया हूँ, ये इसका नाम है नारायणगढ़, हरियाणा में पड़ती है, डिस्ट्रिक्ट अम्बाला। कस दिया, टाइट हो गया। यह है सैनी कार रिपेयर, डीजल एंड पेट्रोल गाड़ियों के लिए, और यहीं पे मैं आया हुआ हूँ सर्विस कराने गाड़ी की। तो ऑयल की कंडीशन बिल्कुल ख़राब थी जो निकला है अभी इसके अंदर से, काफ़ी टाइम हो गया था। और अभी जो है मैं डाल रहा हूँ इसमें नॉर्मल कैस्ट्रोल या फिर टाटा मोटर्स, जो सभी ऑयल मेरे पास यहाँ पे मिलेगा मुझे वही डालूंगा, नॉर्मल डाल रहा हूँ। मगर सिंथेटिक बोल रहे थे, मगर सिंथेटिक नहीं डाल रहा हूँ मैं, वो बड़ी गाड़ियों के लिए यूज़ होता है। तो काफ़ी बड़ा सर्विस सेंटर है इनका, ये नाहन नारायणगढ़ में, टाटा मोटर्स, सुजुकी और कौन कौन सी गाड़ी, सुजुकी और टाटा मोटर्स दोनों की ये यहाँ पे सर्विसिंग वगैरह करते हैं। तो देखी जाएगी आराम से। हाँ आराम से देखना, इसमें यहाँ पे इधर फिल्टर लगेगा। और ये भाई साहब का सर्विस सेंटर है, ये आप ही का है। चोट वोट मत मारा करो ज्यादा, चोट लगी फुटता है गाड़ी। अच्छा, तो बस सर्विस अच्छे से करनी है आपको। बाकी तुम्हारी दुकान का पूरा मैंने फोटो वोटो ले लिया, आराम से पूरा बता दिया है। तो ब्रेकों पे अच्छे से रेगमाल लगाया भाई ने। एक पहिया हो गया रेडी,
चारों टायर भी ये ठीक कर रहे हैं इसको। चार्जेस में बताऊंगा आखिर में कितने कितने किस किस चीज़ के क्या चार्जेस पड़े हैं। थोड़ा यहाँ पे शोर ज़्यादा हो रहा है तो अब ये दूसरा यह स्टार्ट कर दिया इन्होंने खोलना, और एंड में सारे चार्ज मैं बता दूंगा। हाँ तो भाई इसका चेहरा नहीं दिखाना है जो अपना पहिया खोल रहा है भैया, कभी शादी उदी मार दे कोई इसकी बेचारे की। तो ये भाई साहब का है रिंकू सैनी। हाँ रिंकू सैनी के नाम से, और सेंटर इन्हीं का है। बाकी एड्रेस ये बताएंगे कहाँ पे पड़ता है, नारायणगढ़ में सिडोरा रोड पड़ता है। अच्छा सिडोरा रोड पे, तो सिडोरा रोड पे पड़ता है। बाकी किसी को भी यहाँ पे आना है तो आ सकता है, अच्छा है। मुझे तो अभी तक ठीक लग रहा है, सारा कुछ सही है। बाकी कॉस्ट जितनी भी होगी मैं एंड में सारा बता दूंगा, कितने किस चीज़ का क्या कॉस्ट पड़ा, तेल कितना पड़ा, सर्विस चार्ज क्या है, लेबर चार्जेस वगैरह सारा कुछ मिला के आपको बताऊंगा। और भाई साहब डिस्काउंट भी दे देंगे आप आओगे तो कुछ ठीक है। ठीक है सर। और ये ऑयल के लिए है यहाँ से, है ना, यहाँ से ऑयल डलेगा इसमें। तो ऑयल यूज़ कर रहा हूँ मैं कैस्ट्रोल, क्या है मारुति एम जी ओ। तो ये है गेज जिससे हम इंजन ऑयल चेक कर सकते हैं कितना है, और इस पे यहाँ पे निशान है ये 3, 1, 2, 3। तो ये 3 तक रहना चाहिए ना, ये 3 तक रहना चाहिए, उससे कम है तो आपका इंजन ऑयल कम है, और ओवर है तो ओवर पे भी फिर गाड़ी कई बार धुआं देने लगती है। सर्च मारी ये कूलेंट, इधर आ जाओ बस मैं तो। मैक्सिमम हो गया ना? हाँ जी ठीक है। ये फुल है इसका, ये रेडिएटर है। हाँ ये फुल हो गया रेडिएटर भी। हाँ जी जी ठीक है जी। चलो जो बचा वो बाकी मैं रख लेता हूँ, जरूरत पड़ेगी इसमें डाल दूँगा। इसमें डाल। तो ये कूलेंट डलवाया है, मारुति सुजुकी का है, एक स्टार ओके ओरिजिनल है। ये एयर फिल्टर है, और ये भी मैं चेंज करा रहा हूँ क्योंकि ये हो गया था बहुत ज़्यादा गंदा इसका, अभी मैंने उसकी कंडीशन दिखाई थी क्या थी, तो ये अभी मैं ये भी चेंज कराऊँगा। और ऑलमोस्ट ज़्यादातर चीज़ें मैंने चेंज करा दी हैं, कूलेंट बिल्कुल कम हो रखा था, मिनिमम वाले ऑप्शन पे था तो वो भी हो गया है फुल। इंजन ऑयल हो गया है, 2.5 लीटर इसमें इंजन ऑयल आता है, 3 लीटर का मैंने बॉक्स लिया था तो 0.5 लीटर जो था वो मैंने रिटर्न कर दिया उनको। क्यों? तो सब चीज़ फिट हो गई है, इधर फिल्टर भी फिट हो गया है और कूलेंट वगैरह इंजन ऑयल सब फिल हो गया है। तो ऑलमोस्ट सर्विस डन हो गई है, सारे काम हो गए, बस अभी 2 टायर रह गए थे तो वो भी अभी लंच करके आ गए हैं, जैसे ही वो लड़के वो कर देंगे। और काम अच्छा कर दिया है इन्होंने, अच्छे से किया है थोड़ा। दूसरा अब इसके बाद मुझे कराना है एक तो इसकी लाइट, जो कि पिछली वीडियो में काफ़ी कंप्लेंट थी लाइट की, एक फॉग लाइट नहीं जल रही है इसकी, तो फॉग लाइट ठीक करानी है। अभी इलेक्ट्रॉनिक का काम रह गया है, इलेक्ट्रिक का काम करा के फिर मुझे कराना है अलाइनमेंट, तो अभी कई सारे काम है, टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा। तो अभी रेडी है, अलाइनमेंट कराने आया हूँ यहाँ पे। लाइटों का मैंने नहीं कराया आज इसका,
क्योंकि लाइटिंग में टाइम ही लग रहा था उसमें ज़्यादा, और पूरी रिले चेंज कराने में टाइम लगता थोड़ा सा, जो मेरे पास आज था नहीं, तो किसी और दिन कराऊंगा। आज सर्विस और अलाइनमेंट बस। तो ये पूरा कंप्यूटराइज अलाइनमेंट सेंटर है यहाँ पे, यहीं पे अभी अलाइनमेंट होना है। थोड़ा शोर ज़्यादा है इसलिए आवाज़ बहुत स्लो आएगी आपको। बैलेंसिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है, इट्स डन नाउ। हेलो दोस्तों, तो ऑलमोस्ट सारे काम डन हो चुके हैं, सिर्फ एक काम रह गया जो क्या था, लाइटिंग का मेन। मुझे रिले पूरी चेंज करानी थी, दो तीन मेरे सब्सक्राइबर्स दोस्तों ने ही बोला था कि आप इसकी रिले चेंज करा लो, उससे ज़्यादा बेटर हो जाएगा, तो वो नहीं हो पाया। और मौसम बारिश हो रही है बाहर, अभी रास्ते में रुका हुआ हूँ। तो सर्विस कराने का पूरा कॉस्ट वोस्ट तो मैं घर पहुँच के बताऊँगा आपको, पूरा अच्छे से वो इसमें बता दूँगा। और अभी जो हूँ, चलाई है मैंने जितनी गाड़ी, तो उसमें काफ़ी कंफर्टेबल है। स्पेशली अलाइनमेंट जो मैंने कराया है उसमें काफ़ी अच्छा हुआ, और उसकी वजह से अब, पहले क्या लगता था मुझे गाड़ी एक तरफ भाग रही है, हल्के हल्का सा लगता था जैसे लेफ़्ट साइड जाती है कभी कभी, लेकिन अब ऐसा नहीं लग रहा है ज़्यादा। तो अलाइनमेंट कंप्यूटराइज था और काफ़ी अच्छे से उसने किया बंदे ने। तो चलो अभी घर पहुंच के फिर से पूरा खर्चा वगैरह आपको इसका बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेनबो, वाओ, इसमें कलर इतने अच्छे नहीं आ रहे होंगे इसके, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं पहुंच चुका हूँ अभी घर, तो नहान में पहुंच गया हूँ। तो यही बस आपको यहाँ पे दिखाना था मुझे, रेनबो एकदम अच्छा लग रहा है, मस्त बादल हो रखे हैं, बारिश अच्छी हुई है आज। तो अभी मैं बताऊंगा पूरा कितना खर्चा आया आज का इस सर्विसिंग का। तो सबसे पहले जो था ऑयल, इसमें आता है 2.5 लीटर, मैंने कैन खरीदी थी, 3 लीटर की कैन खरीदी थी, तो 3 लीटर वो ऑयल था 750 का, और आधा लीटर मैंने उसे रिटर्न कर दिया, उसने रिटर्न भी ले लिया, तो वो ऑलमोस्ट मुझे पड़ा 650 का तेल पड़ा। 650 के बाद में फिर मैंने सारे फ़िल्टर चेंज कराए थे, एयर फिल्टर ऑयल फिल्टर दोनों मैंने चेंज करा दिए थे। एयर फिल्टर ने मुझे कॉस्ट की 180 रुपीज़ की, और जो ऑयल फिल्टर था वो उसका जो रेट था वो था 120 रुपीज़, तो 300 रुपये के दोनों फिल्टर हो गए थे, तो ये 950 हो गया। उसके बाद में जो मेन चीज़ थी, एक कूलेंट थोड़ा सा कम था, थोड़ा सा क्या, मिनिमम वाले उस पे था गैस पे, तो मुझे लगभग उसमें 250 ग्राम मुझे डालना था, तो फिर मैंने 1 लीटर का ही बॉक्स ख़रीद लिया, वो 250 का कॉस्ट कर रहा था मुझे, और मैंने 250 का ख़रीद लिया। बाकी क्योंकि वो बाद में काम आने वाली चीज़ है, कहीं लॉन्ग रूट पर जब आप जाते हो तो कूलेंट ऐसी चीज़ है कि अगर आपको लग रहा है गाड़ी हीट हो रही है, गाड़ी आपके गर्म चल रही है या कूलेंट कम हो गया, तो आप उसको डाल सकते हो, तो वो फ़ायदे की चीज़ है, इसलिए मैंने उसको पूरा 1 लीटर ख़रीदा और वो अपने साथ में रख लिया था। तो ये तो हो गया सारा सामान जो सर्विसिंग में आया, वो टोटल मुझे कॉस्ट किया 1200 रुपये का, जिसमें से कूलेंट मेरे पास अभी भी रखा हुआ है, उसमें 250 ग्राम ही यूज़ हुआ है,
और अगर कूलेंट नहीं लेता तो वो 950 का ही सामान था बस, और 200 रुपये केवल लेबर चार्ज हुआ जो भाई साहब ने मुझसे लिया, तो थैंक यू उन भाई साहब को भी। 200 रुपये उन्होंने केवल लेबर चार्ज लिया था, और उसमें उन्होंने गाड़ी की सर्विस प्लस चारों पहिए की क्लीनिंग कराई अंदर से, रेगमाल से उनके जो ब्रेक शू थे उसको घिसा थोड़ा सा, ड्रम को हल्का सा थोड़ा सा घिसा रेगमाल से, तो उससे क्या है वो ब्रेक की ग्रिप बन जाती है और थोड़े ब्रेक अच्छे आने लगते हैं, तो चारों पहियों का वो किया 200 रुपये में ही। और इसी चीज़ को अगर मैं कंपनी में जाता हूँ तो 300 रुपये मुझे ब्रेक शू चेंज करने करने के चार्ज कर रहे थे वो लोग, जब मैंने केवल अगले पहियों के, तो ये कंपनी के रेट इतने हाई होते हैं। दूसरी चीज जो मैंने उसके बाद में फिर कराई वो कराया था, एक मैंने अपना फोग लाइट का बल्ब चेंज, 40 रुपीज़ की कॉस्ट की, 20 रुपये डालने वाले हैं ये। उसका होल्डर अभी भी खराब है, वो होल्डर के जो लॉक होते हैं वो टूट गए हैं, तो उसका कुछ जुगाड़ करना है मुझे, क्योंकि वो निकल के टायर पे लगने का डर रहता है, अगले वाले फोग लाइट का बल्ब एकदम टायर के पास होता है, तो उसका थोड़ा सा मुझे लग रहा है अभी जो सही करना है। उसके बाद में मैंने अलाइनमेंट कराई, अलाइनमेंट काफ़ी अच्छी हुई, उससे मैं काफ़ी इम्प्रेस भी हूँ, क्योंकि जब अलाइनमेंट के बाद मैंने चलाई तो गाड़ी का चलने का थोड़ा सा अलग ही था, मुझे स्टेयरिंग छोड़ देता था गाड़ी सीधी चलती थी, यूजुअली हो क्या रहता जब मैं स्टेयरिंग छोड़ता था तो गाड़ी लेफ्ट साइड को जाती थी मेरी, तो वो अलाइनमेंट की वजह से थी, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं थी लेकिन हल्की सी भी ख़राब होती है तो वो दिक्कत करती है। टायर वगैरह खराब नहीं हो रहे थे, घिस नहीं रहे थे, मुझे भी लग रहा था कि अलाइनमेंट की दिक्कत नहीं है, शायद हवा हवा की वजह से करती है, लेकिन आज मुझे जब दोबारा चलाई मैंने अलाइनमेंट के बाद में तो एक्चुअल में मुझे पता चला कि वो किस वजह से दिक्कत हो रही थी। तो अलाइनमेंट जरूरी है, वो चेक कराते रहना चाहिए। कई बार गाड़ी अगर आपको लग रहा है ना एक साइड जा रही है या कोई सी भी साइड जा रही है तो आपकी हो सकता है अलाइनमेंट में दिक्कत हो, जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व की पर्सनली। तो उसने अलाइनमेंट का चार्ज था 150 रुपीज़ बस। वॉशिंग मैंने कराई नहीं क्योंकि बारिश होने लगी थी, तो वो किसी और दिन करा लूँगा जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा, केवल वॉशिंग रह गई थी। तो टोटल जो खर्चा आया था वो टोटल आया था 1200 का सामान, 200 का लेबर चार्ज और 150 का जो अलाइनमेंट है, और 50 रुपीज़ मेरा वो बल्ब का चार्ज वगैरह वो एक्स्ट्रा हो गया। अगर सर्विस का खाली चार्ज देखो तो वो 1400 रुपये है, प्लस अलाइनमेंट 150, 1550 रुपये, और 50 टोटल मेरा खर्चा हुआ है 1600 रुपये, तो काफ़ी सस्ता हुआ है 1600 रुपये। और आप एक मान के चलो 3000 या 3200 रुपये, ऑलमोस्ट आधा खर्चा है अगर हम लोकल में कराते हैं। बस बात यह है कि मिस्त्री जो है मैकेनिक वो अच्छे होने चाहिए, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो को आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, ऑफ करता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट करना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, बाय।